जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में हुआ। उप शिक्षा निदेशक देशराज फरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 115 स्कूलों के 540 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय चुनौतियों से भरा हुआ है, चारों तरफ पृथ्वी पर संकट के बादल हैं, मौसम का चक्र घूम रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पीने के पानी का संकट है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, धरती रासायनिक खादों की प्रयोगशाला बन चुकी है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इन सभी समस्याओं का हल विज्ञान ही कर सकता है, अतः हम सभी को वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। बाल विज्ञान सम्मेलन 2018 इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें लगभग 115 स्कूलों के 500 से ज्यादा बच्चे जो है विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात एक और है कि हमारे जो विकलांग बच्चे थे, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनको जरूरत थी, वो भी इस बार कॉम्पिटिशन्स में अध्यापकों की प्रेरणा से इस कॉम्पिटिशन में पहुंचे। हमारे इस बाल विज्ञान सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था और जो थीम था, वो था स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, हरा भरा भारत के लिए विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी का क्या क्या फायदा हो सकता है, उसका किस किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर बच्चों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के लिए पहले हमने एक ट्रेनिंग दी थी, टिप्स दिए थे। और आज विज्ञान का युग है, बच्चों को हम रिसर्च साइंस की ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने स्कूल स्तर पर उनको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाने की कोशिश की। उनके स्कूल के इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती हैं, उनमें प्रतिदिन किस प्रकार की चेंजेस आती हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और उनकी कौन कौन समस्याएं गांव की है या दूसरे लोगों की है, उनके ऊपर बच्चों के विचार जो है वो इकट्ठे किए और उसके बाद सर्वेक्षण किया, लोगों से जानकारियां ली किन समस्याओं का हल किस प्रकार से हो सकता है। तो उनके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया जो प्रोजेक्ट हैं बच्चों ने तैयार किए, समस्याओं के समाधान के साथ समस्याओं को इंगित किया गया है और किस प्रकार इसमें सुधार किया जा सकता है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो हमारा गूगल नेटवर्क है, इंटरनेट जिसे आप कहते हैं, बच्चों को मिल जाती हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि बच्चों को सही दिशा देने की कि जब भी हम बच्चे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, अगर पॉजिटिव वे से भी करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा लाभ उनको हो सकता है। क्लीन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में, मतलब हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है वो काफ़ी हद तक कम्फर्टेबल हो चुकी है पहले की बजाय, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है फॉसिल फ्यूल की वजह से। बट जब ये फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं तो बहुत सी हार्मफुल गैसेज रिलीज कर रहे हैं जो हमारे एटमोसफेयर को काफ़ी हद तक इफेक्ट कर रही है, और अगर हम लोग इनका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारे जो प्रोग्रेस है, वो रुक जाएगी। तो हमें इनका यूज़ भी करना है, और हमें ये भी चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में बताया कि हम लोग किस तरह से जो फॉसिल फ्यूल जलाने से हार्मफुल गैसेज निकलती हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं और उनको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा मेन है वो इसको लेके है कि हम लोग कैसे थर्मोकोल को डिकम्पोज कर सकते हैं। बिकॉज थर्मोकोल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो मतलब जब हम उसको जलाएंगे तो वो सॉइल पॉल्यूशन, तो वो हार्मफुल गैसेज रिलीज करेगा और सॉइल में फेंकेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेगा। उप शिक्षा निदेशक देशराज फरवाल ने बच्चों को विज्ञान में अधिक रुचि लेने को कहा। इस मौके पर प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर आदि मौजूद रहे। हमारा चला हुआ है, हम तो बच्चों से यही आशा करेंगे, विभिन्न स्कूलों से आए हुए हैं कि भाई साइंस फेयर का इसका पूरा फायदा उठाया जाए, और बहुत सारे जो मॉडल यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शन किए हैं मेन के, तो जजेस इसको देखेंगे, देखने के बाद सेकेंड थर्ड के प्राइज भी दिए जाएंगे, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।